तो दोस्तों अब जो कि आप देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने इसको ओपन कर दिया है, ये देखिए परीक्षण पुस्तिका। इसमें जो कि टोटली दोस्तों 100 क्वेश्चन जो कि उपलब्ध थे, ऊपर देख लीजिए 2022, जो कि मैं आप तक जो कि शेयर करता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ। हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों अभी हमारे पास जो है कि मौजूद है बीए का जो है कि पेपर, जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने अभी एग्जाम दे के आया हूँ। मैं 3 बजे से जो कि एग्जाम था, और ये जो कि बीए का एंट्रेंस एग्जाम का जो कि पेपर था, तो अभी आप देख पा रहे होंगे जो कि मैं आप तक भी जो मैं शेयर करता हूँ कि जो है कि कैसा रहा, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस पेपर को देकर। और जो कि हिंदी हिंदी साइंस बायोलॉजी, मतलब हर तरीके के जो कि इसमें क्वेश्चंस मौजूद थे, जो कि मैं आप तक जो कि शेयर करता हूँ। और बाकी भी इसमें बहुत चीज़ें जो कि कुछ सीखने को भी बहुत कुछ मिला, तो अभी तो देख पा रहे होंगे जो कि इसमें टोटली दोस्तों 100 क्वेश्चन जो है कि मौजूद थे। तो मैं आप तक जो कि पूरा 100 क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा, और इस वीडियो में जो कि लगातार मैं सब बताऊंगा कि जो कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए जो कि वीडियो की शुरुआत करते हैं, और ऐसे जो है कि अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी जो है कि 2 तारीख से लेकर अभी 13 तारीख तक भी जो कि ये पूरा एग्ज़ाम कंटिन्यू चलेगा, तो मैं पूरा जो है कि पेपर आपको देने का प्रयास करता रहूँगा। तो चलिए वीडियो की जो है कि शुरुआत करते हैं। तो अभी हमारे पास देख पा रहे होंगे 2022, मैं अभी आपको जो कि बैक कैमरे से दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी जो कि आप देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने इसको ओपन कर दिया है, ये देखिए परीक्षण पुस्तिका। इसमें जो कि टोटली दोस्तों 100 क्वेश्चन जो कि उपलब्ध थे, तो बाकी जो कि आप कुछ पढ़ सकते हैं वीडियो को स्किप करके। बाकी आप यहाँ पे आपको रोल नंबर भरने के लिए दिया गया था, और ये जो कि सिग्नेचर था टीचर्स का, ऊपर देख लीजिए 2022, जो कि मैं आप तक जो कि शेयर करता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो है कि कुछ भारतीय संविधान से जो कि बहुत क्वेश्चन जो है कि पूछे गए थे। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार का वर्णन कीजिए, देख सकते हैं, मतलब वर्ण है। तो अनुच्छेद 21 ए में, अनुच्छेद 23 ए में, अनुच्छेद 22 ए में, अनुच्छेद 24 ए में। तो बाकी इसका जो पहले का आंसर जो कि सही है, बाकी भी आप ऐसे भी जो कि क्वेश्चन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, और आप जो कि वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। देख लीजिए सारा क्वेश्चन जो है कि मैं अब तक शेयर कर रहा हूँ, आप इजीली जो कि देखिए। भारतीय संविधान से करीबन दोस्तों जो है कि 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति नहीं रहा है, तो इसका जो कि राइट आंसर होगा डॉक्टर आर के नारायण। बाकी आप देख सकते हैं, और इधर भी जो है कि तमाम क्वेश्चन मौजूद हैं। इधर भी आप देखिए, यहाँ पर जो कि तमाम क्वेश्चन जो कि मौजूद हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, और किस किस टाइप के जो कि क्वेश्चन आए थे मैं भी आप तक जो कि शेयर करूँगा। देख लीजिए, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के किस संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, वाराणसी, ये राइट आंसर है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे जो कि क्वेश्चन पूछे थे। और सबसे ज़्यादा दोस्तों एक मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ, जो कि अगर आप जीके से जरूर पढ़िए, क्योंकि इस टाइम त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, ये सब जो कि पूरा पूछा हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन देखिए, ये मिजोरम के पूछा हुआ था, और त्रिपुरा के, ये सब जो है कि मतलब करंट अफेयर्स से ये रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, देख सकते हैं। बाकी और किस किस टाइप के है वो भी मैं आप तक जो कि शेयर करता हूँ, आप जो कि दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आप मेरे जो कि टेलीग्राम ग्रुप को जो कि ज्वाइन करके आप जो है कि आ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, और मैं उसमें जो है कि सारा क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा। बाकी आप देख पा रहे होंगे हम जो है कि आ चुके हैं हम सेकंड पेज पे, जो कि यहाँ से 16 क्वेश्चन हमसे स्टार्ट होता है। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सारा क्वेश्चन, और श्री भगवत गीता से भी कुछ क्वेश्चन आए थे, और महाभारत से भी देख सकते हैं, रामचरितमानस, बाकी ये भी सब देखिए, कुछ घोड़े से भी आए थे। देखिए कटक प्रिय घोड़ा था किसका था, महात्मा बुद्ध का, अकबर का, महाराणा प्रताप का, चंद्रगुप्त। अगर आपको इसका पता है तो आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका क्या होगा, इसका भी आप। और आगे की तरफ और बढ़ते हैं, बाकी भी आप क्वेश्चन देख पा लूँगी। अगर आपको दोस्तों दिख रहा होगा तो आप इसको इधर देखिए, इधर भी जो कि तमाम क्वेश्चन दिए हुए थे। पृथ्वी राजवंशों के लेखक हैं। 2 तारीख का जो कि मैं आप तक पेपर शेयर कर रहा हूँ, बाकी मैं हर दिन का जो कि मैं पेपर देने का आपको प्रयास करूँगा इस वीडियो में नहीं दूसरे वीडियो में आपको जो कि हर दिन का मैं आपको पेपर क्वेश्चन जो कि शेयर करूँगा, देने का प्रयास करूँगा। पानीपत के भी बारे में पूछा था, इतिहास भी देख सकते हैं दोस्तों, इतिहास के भी बहुत तमाम क्वेश्चन जो कि इतिहास के मौजूद थे। देखिए कबीर दास जी के गुरु थे, ये भी सब पूछा हुआ था, तो आप जो है कि इसे पढ़ सकते हैं। ये देखिए पृथ्वीराज, ये जो रिसेंट क्वेश्चन जो कि पृथ्वीराज से भी पूछे गए थे। इधर देखिए पृथ्वीराज राजों का लेखक है कौन थे, तो इसको भी आपको जो है कि बताना है। बाकी देखिए ये सब तमाम क्वेश्चन जो कि मौजूद है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप पढ़िए उसको वीडियो को पॉज करके। इधर भी रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, आप इसको बताइए कमेंट करके अगर आपको पता है तो।
बाकी ये देखिए क्वेश्चन जो क्वेश्चन 46 है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? राजा शिव प्रसाद, श्रद्धाराम, इधर देखिए कालिदास, तुलसीदास, इन लोग का जो है कि तमाम लोगों का नाम दिया हो तो आपको जो है कि एक सेलेक्ट करके उसमें ऑप्शन जो है कि लिखना है। बाकी अब देख लीजिए क्वेश्चन रहा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कुछ ऐसा है, देख लीजिए यहाँ पे भी आप देख सकते, मीराबाई के गुरु कौन थे? इनके देखिए गुरु के जो है कि दो तीन क्वेश्चन हमको जो कि देखने को मिले थे कि मीराबाई के गुरु कौन थे, कबीरदास के गुरु कौन थे, ये सब जो कि क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, रिसेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पे सब दिया, निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, बुध, पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा, तो सही सी बात है चंद्रमा होगा, पर सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा, ये सब जो है कि दोस्तों जो कि जीके से जो कि क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए इधर जो कि पृथ्वी के बारे में कुछ पूछा हुआ कि कौन से कौन डिग्री पे रहता है, ये सब देख लीजिए। कर्क रेखा किसे कहते हैं, ये देखिए इधर से देखिए टोटली जो कि हम दोस्तों अभी 68 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो वीडियो जो कि ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपको पता होगा एवरेस्ट, नॉर्मल सी बात है, ये सब देख सकते हैं। बाकी अभी क्वेश्चन एक्सपीरियंस दोस्तों जो कि बहुत अच्छा रहा पेपर देने के बाद। गुलाबी शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ, मेरे ख्याल से तो यही यार जयपुर, बाकी मैं यही लगाया हूँ। बाकी अब हम आ चुके हैं डायरेक्ट 100 वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये 100 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भारत रत्न इस विषय के क्वेश्चन पूछे गए थे, कथकली किस राज्य में नृत्य करती, मतलब जो डांस से भी रिलेटेड होते उससे भी जो कि क्वेश्चन आए हुए थे। और देखिए बायो से कुछ मैंने बताया था, स्वच्छ मुख्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 39, 37, 33, इसका 98 होगा मेरे ख्याल से, बाकी जो कि आप बताइएगा कमेंट करके। ये वाला दोस्तों ये जो कि मेरे को क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग है, अगर आपको इस क्वेश्चन का जो है कि अगर आंसर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर चाहिए, अगर किसी भाई को पता है तो कमेंट जरूर करना। बाकी देख लो सब जो है कि पेपर रहा, खेल के बारे में दोस्तों जो कि तमाम क्वेश्चन पूछे गए थे, देख सकते हैं खेल के बारे में जो कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, और ट्रॉफी के ट्रॉफी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मौजूद थे, देख लीजिए। तो एक बार मैं सब आपको दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप दोस्तों इजीली ले सकते हैं। चलिए तो दोस्तों ये जो कि मेरा प्रयास कैसा रहा एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही अगर और वीडियो आप देखना चाहते हो पीजी कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस के, तो जो कि आप मेरे को कमेंट करो, मैं जो कि जरूर से जरूर देने का जो कि प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो को जो एंड करते हैं, जय हिंद जय भारत।